एग ग्रेवी की रेसिपी तो आपने पहले भी बहुत खाई होंगी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा यूनिक कॉम्बिनेशन पालक एग ग्रेवी का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट सी, बहुत ही यूनिक रेसिपी। आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है उबले हुए अंडे। तो जितने अंडे आपको चाहिए आप उस तरह से बॉईल कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ मैं कर रही हूँ अंडों को इस तरह से नाइफ की मदद से प्रिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। ऐसा कर लेने से अंडे जब हम फ्राई करते हैं तो वो फटते नहीं है तेल में जाकर। और इसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी मस्टर्ड ऑयल से। तो मैं यहाँ कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद इसे हम पैन में डाल लेंगे फ्राई करने के लिए, और अंडों को धीरे धीरे हमें फ्राई करते चले जाना है। तो धीरे धीरे आप सारे अंडों को इस तरह से तेल में डाल दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लीजिए। बहुत ही फटाफट से बनती है दोस्तों ये रेसिपी, और खाने में इसका स्वाद लाजवाब होता है। तो ये देखिए, इसके बाद मैं यहाँ ऐड करती हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और साथ ही साथ टर्मरिक पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब हमें यहाँ कुछ मसाले लेने हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन। तो मैंने बड़े बड़े साइज में इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, एक बड़ा प्याज, कुछ कलियाँ लहसुन की और एक इंच अदरक का टुकड़ा, और साथ ही साथ यहाँ जाएगा दो बड़े साइज के टमाटर। तो देख सकते हैं इस तरह से साथ ही साथ हम इस अंडों को भी फ्राई करते चले जा रहे हैं। कलर कितना बढ़िया सा इसमें आ चुका है। इसका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसके बाद ये सारे जो एग हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, और इसके बाद हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम ऑयल में ऐड करना है खड़ा ज़ीरा और साथ ही साथ थोड़ा सा जाएगा तेज़पत्ता। अच्छी तरह से इसे हमें चटकने देना है, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए, बहुत बढ़िया तरीके से चटक जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो पेस्ट जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का बनाया था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा बारीक हमें बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है। और इसके बाद तेल के साथ अच्छी तरह से हमें इसमें करना है इसे मिक्स, और इसकी करनी है बढ़िया तरीके से भुनाई। जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा साइड में से तेल रिलीज होने लगेगा, और ये आ गए हमारे फ्रेश पालक जिसे कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो इसके बाद अच्छी तरह से पालक के पत्तों को मैंने धो करके साफ कर लिया है, और इसे बारीक बारीक हमें इस तरह से काट लेना है। पालक बहुत ही फटाफट से गल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फाइन चॉप भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे यूँ ही काट करके डाल दीजिए। साथ ही साथ अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और यहाँ धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, रेगुलर मसाले में ये स्वाद बहुत बढ़िया सा देगा। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यानी कि नमक स्वादानुसार। ये सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए फ्रेश पालक। तो सारी ग्रेवी के साथ में अच्छी तरह से इसे हमें करना है मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स, फटाफट से पक करके रेडी हो जाता है। ये देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, और इसके बाद लीड लगाकर हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो पालक में मैंने अलग से कोई भी पानी का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं इसमें से जो पानी थोड़ा सा ग्रेवी आया है ये पालक का ही पानी है। ये देखिए, मैं इसकी लीड निकाल करके आपको दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है पालक, और बिना पानी के ही इसकी ग्रेवी इस तरह की बन करके रेडी है। बिल्कुल इतना ही हमें इसका थिकनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसमें नहीं चाहिए। और इसके बाद उबले हुए जो फ्राई किए हुए अंडे हैं उसे अब हम इसमें डाल देंगे। तो लीजिए, लगभग रेडी है हमारा बहुत ही यूनिक एंड स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन पालक एग करी का। साथ ही साथ अब हम डालेंगे यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसके बाद यहाँ जाएगा फ्रेश हरा धनिया। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट पालक एग करी की रेसिपी।
पालक की सब्जी तो बहुत अपने पहले भी खाई होंगी और एक गरीबी बहुत खाई होंगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस तरह से आप एक बार इसे बनाइए तो ये पूरी सर्दियों भर आप इसे कईयों बार बना करके खाना पसंद करेंगे। ये इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में और देख ही सकते हैं आप इसका टेक्सचर कितना बढ़िया सा लग रहा है। रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए, इसका स्वाद बेहतरीन आएगा आपको। तो आई होप दोस्तों कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर याद से प्रेस कर दीजिएगा। तो लीजिए, रेडी है आपके लिए गर्मा गर्म पालक एग करी और इसे हम डेकोरेट करेंगे उबले हुए अंडों से। तो उबले अंडों को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से गार्निश करेंगे। फिर मिलती हूँ दोस्तों आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय एंड टेक केयर।